तो भैया हो गया काम, हो गया पूरा प्रॉपर। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आज सुबह सुबह मैं मार्केट एक्सप्लोर करने आया हूँ, क्योंकि बाइकों की मार्केट में आया हूँ एक्चुअली, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरे को सामान क्या क्या लगवाना है। पहले तो मैंने PPF पता करी इसकी टंकी PPF वगैरह पूरी बॉडी की 2800 की बता रहे हैं वो लोग, बहुत महंगी बता रहे हैं। क्योंकि मैंने जब यहाँ से कल वो करवाई थी ना, उनके पास बहुत ही नहीं है, पर वो कैसे एक दो दिन में आएगी, तो उन्होंने बोला था 500 के आसपास का खर्चा, वो 250 कह रहे हैं, मतलब बिल्कुल ही लूट मचा रखी है। दूसरी बात, इसका मटला पता कर रहा हूँ, जो मड गार्ड है पीछे वाला वो लगवाना है, और वो वार्निंग वाला लिखवाना था, वो तो घर से उतार था, क्योंकि आर सी मशीन बिजी है, उसने नई गाड़ी ली है विद नंबर में दिखाऊँगा कौन सी गाड़ी, बताऊँगा कौन सी है। तो वो थोड़ा बिजी है, उसने नानी के घर जाना अपनी आज दिखाने गाड़ी, उन्होंने कल ली है। मेरे और भी बहुत सारे काम है, पहले घर फ़ोन नहीं उठा रहा, घर को फ़ोन किया था, घर ने बोला कि रुक जाओ मैं करता हूँ, मुझे नहा रहा था एक्चुअली, वो मैं आएगा तो पता चलेगा। अभी मैं बाइक में मार्केट में आया हूँ, मटला देखूँगा, मिल जाए तो इनके पास नहीं है अभी, तो आगे जा रहा हूँ, देखता हूँ जो लगवाऊँगा आपको दिखा दूँगा साथ साथ। बाकी देखते हैं और क्या कराते हैं। हेलमेट भी नंबर नहीं आया अभी तक, मैंने हेलमेट का भी नहीं पता चला मुझे, ना मेरा नंबर आया अभी बाइक का, तो मैं रोड पर ज़्यादा देख के जा नहीं सकता क्योंकि टेम्परेरी भी नहीं लगा हुआ इस पर, क्या करूँ, नंबर आएगा तो पता चलेगा। गाइस सुबह से दोपहर हो गई है, मेरे लिए कुछ नहीं रहा, पूरे मार्केट में छान लिया, ना तो मडगार्ड मिल रहा है, ना विंडशील्ड मिल रही है। गर्भ को भी साथ ले आया था मैं अपने, कि इसको भी थोड़ी नॉलेज तो है ही, तो मैं क्या करूँ, मेरे को मडगार्ड चाहिए, वो ऑनलाइन मिलेगा नहीं है भाई, अब क्या बोलूँ, है नहीं ना, आपको विंडशील्ड है ना मडगार्ड है, अब तक देखते हैं, पहले रैपिंग करवा ले फिर, अब उधर इसको वाइट करा लेता हूँ, उधर इसको वाइट करा लेता हूँ, थोड़ा टाइम इसको लाके फिर वाइट करा लेता हूँ। अभी चलाते हैं स्पेशल, फिर वो पता किया था ना उससे पर्दे से, एक बंदा बड़ा दोस्त है उसके पास अपाची है, उसने वो करवाई थी, क्या करवाई थी उसने, क्या करवाया था उसने, रैप करवाई थी, तो करवाते हैं कुछ। गाइस मेरा मुंह सूख गया, यहाँ पे सामान नहीं मिलता, पूरी मार्केट छान दिया मैंने, ये देखो पीछे पूरी मार्केट मैंने छान दिया, ना तो मडगार्ड मिला पीछा वाला, ना कुछ, दो चार दुकानें और बची हैं वो भी देख लेता हूँ, फिर घर जाऊँगा। बहुत ज़्यादा गर्मी होगी दिल्ली में, बहुत हद की गर्मी है, बहुत ज़्यादा तकलीफों के बाद मेरे को दुकान मिल गई, उसमें हम क्या करवा रहे हैं भाई, लेमिनेशन करवा रहे हैं इसके टैंक पर। और दो तरह की लेमिनेशन होती है इसमें, एक होती है वाइट प्लेन और दूसरी मैट वाली, मैट ब्लैक, शाइनी ब्लैक, शाइनी ब्लैक आप हमारे करवाएंगे। और धूप बहुत तेज हो रही है, बहुत तेज हो रहा है, मंदिर फिर दुकान पर गाइस हमने हमारी बैगिंग खोल दी है, क्योंकि ये पूरी ये होगी लेमिनेशन, अंदर से देख लो भाई, मैंने कॉम रख ली थी और ये हैरी भैया की कॉम है, मैंने उनकी होली वाले दिन ली थी देना भूल गया, तो इसमें रख ली, जब मिलेंगे तो दे दूँगा पूरी, ये देखो पूरी मिट्टी मिट्टी चढ़ रही थी ना, अपनी चढ़ेगी, करवा लूँगा पूरा प्रॉपर। इनकी दुकान का नाम ये है साहिल आर्ट्स, वरिंदर नगर में दिल्ली आर्ट के पास है, और तो भैया काम स्टार्ट हो गया, ये पहले ये मार रहे हैं, पहले चमकाएंगे फिर भैया लगाएंगे अपने। अभी इसमें डस्ट हटाई है इसको, जो डस्ट लगी हुई थी, इसके बाद स्क्रैच तो नहीं चढ़ता ना उस पर, पतले कोई सलाह वो मारे चाबी वो साथ उतर जाए, स्क्रैच पड़ जाए ज़्यादा, जो कि लगेगा वो तो उतरेगा, धूप बहुत तेज, पानी से मत लगाइयो, क्यों बिना पानी के लगाना, धूप है, ब्लैक ब्लैक से मार लगाएगा पानी, कपड़ा दियो एक, ये पानी से हटा के तो रोड में मिट्टी बड़ी चढ़ जाती है, साथ हाथों हाथ मिट्टी चढ़ जाती है उतारते ही, भाई धूप इतनी तेज हो रही है, सामने देखो सूरज, देख रहे हो सूरज कितना खतरनाक हो रहा है, मेरे फ़ोन में दिख नहीं रहा कुछ, मैं तो बस अंदाजे से ब्लॉग बना रहा हूँ, मुझे दिख कुछ नहीं रहा,
जो है ना ये मेनली थर्ड लेयर वो लगा रहे हैं हमारे इसमें थ्री लेयर PPF थ्री लेयर वाली PPF है अभी एक लेयर उतर गई है दो लेयर अभी हैं अभी इसको चढ़ाने के बाद एक लेयर और उतार रही है तब शाइन आ जाएगी अभी शाइन दिख नहीं रही मेरे को लगा था ऐसे ही छोड़ देंगे तो मेरा तो बेड़ा करके हो जाएगा इसका लेने का शाइन के चक्कर में तो बाइक ले ली मेरे पापा को बोला कि पापा बाइक ले ली पापा कहते तो स्प्लेंडर वगैरह ले ले CV शाइन ले ले तो देखो क्या तेरे को तो भगानी है भगाता रहा उसे पेट्रोल भी कम लगेगा तेरे को हमारे घर से करनी है स्प्लेंडर स्प्लेंडर तो कभी ना लेता भाई मैं सही लग रही है अभी ये हटाएंगे भैया पूरी प्रॉपर कर देंगे दोनों तरफ उसके बाद दिखाते हैं आपको मैंने इसके इंडिकेटर्स पे भी करवा लूँगा ब्लैक मैट साइड के बॉर्डर काट रहे हैं बॉर्डर कहाँ लगता है साइड में लगता है जहाँ से कटिंग होती है साइड में बॉर्डर लगे जहाँ से कटिंग होती है पूरी क्लॉथ करा लेंगे इसको नंबर प्लेट भी नहीं आई है दिक्कत है क्योंकि अभी हम रोड पर हैं और किसी पुलिस वाले ने पकड़े तो बाइक सीज है सीधा नंबर प्लेट ना आई हो तो बाकी हम फिर भी इसके लेके चल रहे हैं देखो जो होगा यार अच्छा होगा पुलिस वाले पकड़ लेंगे तो फिर हम पुलिस वाले से बात करा देंगे क्या होगा अब फर्स्ट लेयर पे स्टार्टिंग उतार दी थी अब ये सेकंड लेयर भी उतार रहे हैं देखो शाइन आ गई शाइन देखो आ गई अब शाइन ही आई थी भाई मैं डर गया था कि अजीब लग रही थोड़ी अब शाइन शाइन दिख रही है भैया ये स्क्रैच क्या लग रहे हैं वो तो साफ है वो कर देंगे अब शाइन आ गई अब देखो उस साइड की भी अच्छी लग रही है इस साइड की अब उस साइड लगाए कुछ नहीं ना मतलब सेम ही लग रही दोनों अच्छी लग रही है भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है भैया इनकी दुकान का नाम साहिल आर्ट्स है फिर बता रहा हूँ नरेंद्र नगर में दिल्ली हाट के बिल्कुल सामने दरकपुरी के पास बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यार एक साइड धमाका हो गया दूसरी साइड धमाका कर रहे हैं बस लगा रहे हैं भैया कहते हैं इस पर मैं लगाऊंगा नहीं मतलब भाई क्यों नहीं लगाऊंगा उन्होंने कहा था जब लगाएंगे तो इधर भी लगवाएंगे ही हम और इस पर जो हल्के हल्के ये देखो स्क्रैच दिख रहे हैं हल्की 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 सी स्क्रैच दिख रहे हैं ये भी ठीक करवाऊंगा इनसे अभी बाकी तो ओके रिपोर्ट है भाई ये नाम हमारा ओके लग रही है सही वाली साइड भी शुरू हो गई है बढ़िया सी अच्छी लग रही है बाइक अब तो डर लगा था यार पता क्या है लोग निशान बड़े मार जाते हैं पता आगे से मैंने उसे स्टीकर लगवा स्टीकर कह रहा हूँ तो पूजा करवा के यहाँ पर टिक्का टुक्का लगाया था ना देखो पूरा कोई मिटा ही गया पता नहीं किसने मिटाया पूरा मिटा दिया कल तक हल्का हल्का मिटा हुआ था उसके पेपर उस कह रहा मैं फिंगरप्रिंट के निशान आ रहे थे अब पूरा ही कोई हटा गया अब क्या करूँ घर वहाँ बैठा हुआ देखो स्माइल पास कर रहा है मेरे को घर भाई एक ऐसा दोस्त है मेरा जो मेरी खुशी से खुश हो जाता है और मेरे को क्या चाहिए इस दुनिया में दो दोस्त ऐसे हैं जो मेरी खुशी से खुश होते हैं एक तो मेरा छोटा भाई है भव्या बाकी एक ये हो गया और एक हर्षिल भाई सबसे हाई तो यार दोस्त बनाओ ज़िंदगी में अच्छे बनाओ बाकी दोस्त भी खुश होते हैं ऐसी बात नहीं है बट जो मेंस में है ना वो ये दोनों ही हैं और तीसरा वो मेरा भाई वो तो मेरा भाई कम बेटा कम सब है मेरा वो छोटा है वो थोड़ा सा बस ये फ़र्क है बच्चा दिमाग है उसका बाकी बाइक काम कर रहे हैं बाइक का बहुत ज़्यादा नहाया भी नहीं नहाया तो भाई मैं इसलिए नहीं हूँ क्यों क्योंकि मेरे को पता था आज थोड़ा थकान हो जाएगी कुछ काम कुम करवाऊँगा बाइक में और इसके इंडिकेटर पे भी ये मैट वाले वो करा लूँगा इंडिकेटर पर भी मैट करा लूँगा भाई कोई भी निशान नहीं चाहिए मेरे को निशान आ भी गया करा लेंगे ठीक है यार फिर हाँ यही ठीक है ये वाली हाँ ये ठीक लग रही है सीट वापस लगा रहे हैं भैया धूप बड़ी तेज हो रही है साइड साइड ये यहाँ पे नहीं बाकी ये दोनों भाई हो गए ओहो बहुत गर्म है बहुत गर्म हो गया ये देखो दोनों साइड लग गई बहुत गर्म हो गया चल सीट तो ठंडी है अभी शुक्र है सीट तो वहाँ पड़ी थी ना हाँ सही है दोनों भाई मिल के काम कर रहे हैं एक ये हमारे भैया ये भी और एक ये भैया इस साइड इंडिकेटर्स पे काम कर रहे हैं
बढ़िया मॉडिफिकेशन हो जाती है भाई। अभी ज़्यादा कुछ और मैंने कराना ही नहीं है, बस यही सब सही है। ये भैया ये भव्य के पाचे करी थी उन्होंने, सही इसने रैप करवाई थी। हम तो बस वो करवा रहे हैं भाई PPF बढ़िया से, और एक बुलेट तैयार हो रही है, बुलेट तैयार हो गई है थंडरबोल्ट। छोटा सा काम रह गया, पूरी ये हो गई, पूरा ये हो गया, नीचे तक ये भी करा लिया। ये देखो भाई हमने इसकी भी उतरवा दी पट्टी। दूसरी बात है भैया ने इंडिकेटर्स को भी कर दिया, पीछे आगे दोनों कर दिया, और बस ये रह गया। लो भैया हो गया काम, हो गया पूरा प्रॉपर। ये पूरा लगा दिया इन्होंने, इधर पूरा, इधर भी पूरा, इधर भी पूरा, और शीशे भी फॉक करा लिए। ओके यहाँ पे भी कराएंगे फुर्सत में कभी, इस पे भी करा लूँगा फुर्सत में कभी। बाकी तो हो गया काम सारा। एक भैया और आए थे, अच्छा उसने भी, जो भी बंदा यहाँ से काम करवाना चाहे वो करवा सकता है, बहुत बेहतरीन काम किया और रेट भी बिल्कुल नेगोशिएबल है। तो भैया का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो चलते हैं, हमारा काम हो गया, हम चलते हैं। भाई भाई काम बता कैसा चला? काम तो काफ़ी अच्छा गया, टाइम लगा बस फिनिशिंग से किया है, एक चीज़ टाइम लगा बस थोड़ा सा, बट काम इतना प्रीमियम किया, इतना ओके काम किया, मतलब रेट भी ज़्यादा नहीं है, ठीक अच्छा लगा। गाइस माय बाइक पे मैंने पूरी मॉडिफिकेशन जो करा सकता था वो करवा लिया, दो चार चीज़ें और रह गई हैं, वो आने वाले व्लॉग्स में आपको दिख जाएंगी जो कराऊंगा। बट ये PPF करवा ली मैंने, और दूसरा इंडिकेटर्स करा लिए, और स्पीडोमीटर करा लिया, और नाम लिखवा लिया अपना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, लव यू गाइज़।